Hey guys, welcome back to Bhojpuri Chilies. मैं हूं रुधीर, कैसे हैं आप लोग? Guys, आज हम लोग देखने वाले हैं जंजी एक्स्ट्रा चैनल से आकांक्षा दुबे के गुनहगारों को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है जंजी। स्टार्ट करते हैं वीडियो, इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू मस्ट बी चेक आउट द चैनल, लेट्स एंजॉय द वीडियो। आकांक्षा दुबे के बारे में कुछ बता दीजिए भाई। वीर हनुमान मूवी का पोस्टर के बारे में कुछ बताओ। भोजपुरी को कौन आगे लेके जाएगा? हर हर गंगे हिट होगी। पवन सिंह और खेसारी के वर्क में डिफरेंस क्या है? खेसारी लाल हमेशा पवन सिंह को टारगेट करते हैं क्यों? लोग फरिश्ता को क्रक फाइटर से कंपेयर कर रहे हैं। आजकल रोस्ट वीडियो क्यों नहीं करते हैं? इसी तरह के बहुत सारे सवालों के जवाब आज मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, छोड़ के जाना नहीं। खैर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बढ़ते हैं सबसे पहले वाले सवाल की तरफ। आपको पवन सिंह और खेसारी के वर्क में डिफरेंस क्या लगता है, और पवन सिंह और खेसारी लाल में एक्टिंग अच्छा कौन करता है? पवन सिंह हर काम लेट से क्यों करते हैं और खेसारी लाल इतना जल्दी, चाहे गाना हो या फिर फिल्म? तो भाई देखो, क्या है ना कि खेसारी लाल जो हैं वो हमेशा 24 घंटा अपने काम में ही बिजी रहते हैं, बट पवन सिंह को मार के सोने का भी थोड़ा समय चाहिए। पवन सिंह थोड़े से लेजी टाइप के आदमी हैं, यानी कि सुस्त हैं, और ये सुस्ती उनके काम में तो दिखती ही है। जब वो बैठ करके कहीं इंटरव्यू देते हैं तब भी आप उनको ध्यान से देखिएगा, वो हमेशा बैठ ऐसे करते रहते हैं, और ये सब सुस्ती की निशानी है, ज्यादा मारने से ऐसा होता है। वैसे ये सवाल पूछा था शीतल कुमार चौबे जी ने। अगला सवाल, वीर हनुमान मूवी के बारे में कुछ बताएं जिसका पोस्टर आया है अभी। वीर हनुमान मूवी के बारे में बताएं जिसका अभी तक सिर्फ पोस्टर आया है। ये उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। अगला सवाल पूछने वाले हैं युवराज, नाम थोड़ा सा स्टाइलिश फॉन्ट में लिखा हुआ है। खैर, पूछते हैं भोजपुरी ऑडियंस साउथ इंडस्ट्री के जैसा फिल्म बनाने को क्यों बोल रहे हैं? जैसा नहीं भाई, ना जैसा मतलब क्या, कॉपी करना, और कॉपी तो लोग कर ही रहे हैं ना। जैसा नहीं, उस लेबल का फिल्म बनाने के लिए लोग बोल रहे हैं। हाँ। लेबल का मतलब ये भी नहीं कि उतना बजट लगाना है बाहुबली और KGF के जितना, नहीं नहीं, लेबल का मतलब अपनी एक्टिंग में क्लास लेके आओ, जबरदस्ती का ओवर एक्टिंग बंद करो, दूसरी बात कहानी पे काम करो, कहानी नहीं लेकर के आओ, इधर उधर से चुराना चाटना बंद करो, नेचुरल बेस्ड फिल्में बनाओ, मसाला पर ध्यान थोड़ा कम दो, और मसाला फिल्म ही बनाना है तो तगड़ा मासी फिल्म बनाओ, जो एक फैट मारे तो साला गुंडा चांद पे जाके गिरे। कुल मिलाकर बात ये है कि फिल्मों में एक क्लास लेकर के आओ, जो कोई देखे तो हमारी भोजपुरी फिल्मों को औकात में नहीं, हैसियत में ना। अगला सवाल पूछने वाले हैं राकेश कुमार, पूछते हैं झंडजी संघर्ष 2 के प्रोड्यूसर रत्नाकर कुमार ने इंटरव्यू में बोला है कि बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए अदर इंडस्ट्री से म्यूजिशियन बुलाए हैं, अच्छा म्यूजिक हो पाएगा क्या? भाई पहली बात तो ये कि आपको काहे लगता है कि बढ़िया काम सिर्फ दूसरे इंडस्ट्री वाला कर सकता है? अपने वाले नहीं कर सकते? पानी में जितना चीनी डालोगे ना उतना मीठ होगा, चाहे म्यूजिशियन बॉलीवुड से बुला लो चाहे हॉलीवुड से, जितना दोगे ना उतने करेगा वो, और जितना नोटिया यहाँ के म्यूजिशियन के लिए गिनते हो ना उतना में तो मुतेगा भी नहीं तुम्हारे फिल्म में, तो उतना नोटिया यही के म्यूजिशियन को दे करके देखो, का पता कुछ काम बन जाए। अगला सवाल रजनी सिंह, पूछते हैं हर हर गंगे हिट होगी कि नहीं? तो भाई मैं आपको ज्योतिषी दिख रहा हूँ शकल से, एक पोस्टर देखकर बता दूं कि फिल्म हिट होगी कि नहीं। अरे फिल्म का कम से कम टीजर ट्रेलर कुछ तो आने दो, बोलो भैया पोस्टर से कौन कैसे बता देगा, जो बोलो वो करो, नहीं तो बोलो ही मत। अगला सवाल, पूरी चिट्ठी लिख दी गई है यहाँ पर भाई साहब। नंबर 1 गोल्डा मिनेज भोजपुरी, झंड जी नमस्ते, बिहार में मोतिहारी जिले से हूँ, सिंगर नवनीत धड़कन, प्लीज मेरी बातों का रिप्लाई जरूर दीजिएगा। अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री में छोटे एक्टर हो या बड़े एक्टर, अगर किसी सेलिब्रिटी का देहांत हो जाता है तो वहाँ पर सभी कोई जाते हैं मदद के लिए, तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में भिन्न क्यों है, यहाँ पर क्यों नहीं जाते? अभी अभी आकांक्षा मौत की कहने का इनका मतलब है कि जो भी आकांक्षा दुबे के साथ में हुआ भोजपुरी वाले क्यों नहीं जाते हैं जबकि दूसरी इंडस्ट्री वाले जाते हैं? तो भाई देखो, इसमें 2 वजह है। पहला वजह बहाना कि भाई फुर्सत नहीं मिला इसलिए जा नहीं पाए। दूसरा, अगर मौत नॉर्मल होती है तो सभी जाते हैं और जाते भी हैं, बट बात जब आत्महत्या या फिर मर्डर वर्डर की हो जाए वहां पर जाने से बहुत सारे लोग कतराते हैं और बचते हैं, क्योंकि पूछताछ होने का खतरा है। किसी के दुख में कौन जाता है? वही जाता है जो उसका करीबी होता है, और सबसे पहले पूछताछ किससे होती है?
जो करीबी होता है, इसीलिए लोग जताना नहीं चाहते हैं कि मैं करीबी हूं, इसीलिए जाते नहीं हैं। ये सिस्टम का फेलियर है जो लोगों को डर लगता है। शुरू से कुछ काम ऐसे किए गए होते कि लोगों को लगता कि नहीं यार, मदद करने से हमारा फायदा होगा या हमें परेशान नहीं किया जाएगा, तो लोग जाते हैं। बट हमारा सिस्टम ही ऐसा है ना कि आपने भी बहुत बार देखा होगा कि जब एक्सीडेंट हो जाता है किसी का, तो कोई छूता नहीं, कोई उठाता नहीं है, कोई करीब तक नहीं जाता। डर है ना भाई कि हमसे पूछताछ शुरू हो जाएगी, फिर मुझे परेशान होना पड़ेगा, इसीलिए ऐसे मामलों में भी कोई जाता नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अगला सवाल किंग ऐरान पूछते हैं। झंड जी नमस्ते। नमस्ते ब्रदर, आपसे एक सवाल है मेरा कि भोजपुरी को आगे कौन लेके जाएगा, प्लीज रिप्लाई। तो भाई अभी के सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए तो ऐसा कोई नहीं दिखता जो भोजपुरी को आगे लेके जाएगा। हाँ, भविष्य में अगर कोई आए तो स्वागत है। अगला सवाल, फिर से वही सवाल, टॉप रिएक्शन पूछते हैं। भाई वीर हनुमान मूवी के पोस्टर के बारे में बताओ। बताएंगे भाई, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे क्योंकि इस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। अगला सवाल, जितेश कुमार राय, नमस्ते जी भैया, अरे आपकी वीडियो का इंतजार रहता है हर समय क्योंकि आप निष्पक्ष बोलते हैं। थैंक यू ब्रदर। भैया आपसे एक बात पूछना था, आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि पवन सिंह से अच्छा कोई नहीं गाता है, हैं? अंकुश राजा का भी आवाज बहुत मस्त है आपका भाई जितेश राय। पवन सिंह से अच्छा कोई नहीं गाता है, ऐसा मैं बोला हूँ कब भाई? कभी दिखाओ यार। जहाँ तक मुझे ख्याल है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है कि पवन सिंह से अच्छा कोई नहीं गाता। पवन सिंह की जो आवाज है पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा टॉप आवाजों में से एक है। शायद आपको समझने में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई होगी, बट हर इंसान का अपना पसंद होता है। जो जिसको पसंद करता है, जो जिसके गाने पसंद करता है, वो उसको बोलता है कि हाँ इससे बढ़िया कोई नहीं है, उससे बढ़िया कोई नहीं है। इससे किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए यार, सबकी अपनी अपनी पसंद है। अगला सवाल, राहुल भाई पूछते हैं आकांक्षा दुबे के बारे में कुछ बता दीजिए, फर्स्ट टाइम कुछ पूछ रहे हैं, बताइएगा जरूर भैया। तो भाई साहब, आकांक्षा दुबे के बारे में जितना आपको पता है शायद उससे कम ही मुझे पता है, तो मैं क्या ही बता दूं आपको। बाकी मैं कोई न्यूज रिपोर्टर नहीं हूं, मेरा कोई सूत्र मूत्र कहीं पर काम नहीं कर रहा है कि मैं आपको सूत्रों के हवाले से कोई खबर बता दूं। बाकी यही कहूंगा कि जो भी हुआ है गलत हुआ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगला सवाल पूछने वाले हैं प्रिंस ठाकुर। मेरा क्वेश्चन ये है कि खेसारी लाल हमेशा पवन सिंह को टारगेट करते हैं, वो कभी ऐसा नहीं है कि मैं खेसारी लाल का विरोधी हूँ, वो भी अच्छे एक्टर हैं, बट राजनीति बहुत ही ज्यादा घटिया लेवल का करते हैं। तो भाई शिकायत आपकी खेसारी लाल से है, तो सवाल भी आपका उन्हीं से होना चाहिए। मैं उनका मैनेजर हूँ, उनका भाई हूँ, उनके घर का सदस्य हूँ। देखो क्या है ना कि किसी के पर्सनल लाइफ पर मैं टिप्पणी करने से थोड़ा बचता हूँ। जिसको वो टारगेट करते हैं उसको बुरा लगेगा तो रिप्लाई करेगा, दैट्स इट, काम खत्म यार। जो चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी मुझे लगेगा कि हाँ इसकी वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बनाऊंगा, और पहले बनाया भी हूँ। अगला सवाल पूछते हैं मंजीत कुमार, लिखते हैं नमस्ते झंड जी। नमस्ते भाई, मेरा सवाल यह है कि आकांक्षा दुबे की माँ ने जिन लोगों पर आरोप लगाया है उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? अच्छा, आकांक्षा दुबे की माँ कोई देवी देवता है कि जो बोलेंगी वही सही है? ऐसे होने लगा तब तो हर कोई किसी न किसी के ऊपर आरोप लगाने लगेगा, पुलिस सबको अरेस्ट करने लगेगी, है ना? अरे भाई, किसी को बोलने से किसी को अरेस्ट नहीं किया जाता है। पुलिस अपने ढंग से छानबीन करेगी, इंक्वायरी करेगी, फिर उसमें जो गुनहगार निकल के सामने आएगा उसको अरेस्ट किया जाता है। ऐसा अक्सर आपने देखा होगा कि जब भी किसी परिवार के किसी इंसान के साथ कुछ अनहोनी हो जाती है तो उसके घर वाले उसी पर उंगली उठाते हैं जिनके साथ उनका कुछ खटपटा रहता है, ठीक है? तो ऐसे पुलिस भावनाओं में आके काम नहीं करती है। बिना छानबीन के किसी को भी उठा के जेल में डाल दो, है ना? बाद में अगर वो बेगुनाह निकला तो कौन भरपाई करेगा उसका, पूरा जितना दिन वो जेल में रहेगा? बाकी पुलिस अपना काम तो कर ही रही है ना, छानबीन कर ही रही है, अगर सच में वही गुनहगार हुआ तो पुलिस उसको भी पकड़ेगी। अगला सवाल पूछने वाले हैं, कॉमेडी मूवी भाई भोजपुरी मूवी ऑल ओवर इंडिया में क्यों नहीं लगता है? ओ भाई उत्तर प्रदेश में लगभग 60% लोग भोजपुरी बोलते हैं और 90% लोग भोजपुरी समझते हैं, बट फिर भी वहाँ की 1% ऑडियंस भी भोजपुरी फिल्म नहीं देखती है। पहले अपने लोगों को देखने लायक फिल्म तो बना लो, बाद में दूसरों के बारे में सोचना भाई। यूपी छोड़ो यार, बिहार में लोग फिल्में नहीं देखते आपकी, दूसरों को आप क्या ही दिखा लोगे? दूसरे लोग तो आपकी फिल्म में कंटेंट ढूंढेंगे ना, जाति थोड़ी मैच कराएंगे कि मेरी जाति आपकी जाति से मैच हो रही है कि नहीं हो रही है। खैर तो यार बस आजकल इतना ही, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा तो यार बहुत दिक्कत होता है, ठीक है? बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, और पसंद नहीं आया है तो भी करना, और मेरी बात से आप कितना असहमत है वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। और चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने इंस्टाग्राम का लिंक है, कोई बात बात करनी है तो वहां पर भी आ जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
वैसे यार आज झंड जी की जो एनर्जी थी ना वो काबिले तारीफ थी। वाओ क्या बात है, हर किसी के सवाल का ऐसा फटाफट 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 जवाब देना भाई इतना आसान नहीं होता है। लाइक लोग दो बार सोचते हैं कि भैया किसी को बुरा ना लग जाए, किसी को कुछ ना लग जाए, लेकिन जो सच है वो सच है। ही इज़ सो ब्लंट एंड जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। वो कुछ भी जो उनके मन में होता है, जो उन्हें सही लगता है, वो वही बोलते हैं। ये नहीं कि हाँ किसी को मतलब चाशनी में लपेटने की, शुगर कोट करने की कोशिश करें, है ना। और यार लास्ट वाला सवाल, वो मतलब लास्ट वाला जो जवाब दिया वो वाकई बहुत सही था। यूपी के जितने भी सिनेमाघर हैं, यूपी और बिहार के दोनों भी आप देख लो, जितने भी मल्टीप्लेक्स हैं, सिनेमाघर हैं, ठीक है, सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्सेस या फिर मतलब कोई सा भी पीवीआर वगैरह कुछ भी, पीवीआर में तक में आज तक भोजपुरी मूवीज नहीं लगी हैं, है ना। मतलब इस लेवल की नहीं है कि हाँ वो किसी भी मल्टीप्लेक्स में या 3D थिएटर में लग सके, ठीक है। तो पैन इंडिया मूवी तो यार बहुत दूर की बात है ना। और पैन इंडिया में ये बन भी रही है, एक मूवी जो ये बन रही है, ठीक है, तो वो काफ़ी अच्छी बात है कि भोजपुरी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही है और करनी भी चाहिए, है ना, भोजपुरी रीजन की। लाइक अब तो काफ़ी सारे ऐसे रीजनल सिनेमा हो गए हैं जिनकी मूवीज़ आपको पैन इंडिया में देखने को मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है यार भोजपुरी भी बहुत स्लो जा रही है, बट जा रही है, ठीक है, जा रही है, थोड़ा सा पकड़ रही है, तूल पकड़ रही है। तो थोड़ा अच्छी तरह जल्दी और ग्रोथ कर लें, जाति भेद थोड़ा कम करेंगे, ये सब पता है कैसे पॉसिबल है, ऑडियंस के बल पे पॉसिबल है। अगर ऑडियंस थोड़ा आप मेरी जाति, तेरी जाति, इसकी जाति, उसकी जाति, फलानी जाति, धमाकी जाति, ये जाति जाति करना बंद करोगे और किसी एक के पीछे ही अंधे भक्त होकर नहीं भागोगे, है ना, लोगों का काम देखोगे, नए टैलेंट को आप मौका दोगे, अच्छे कंटेंट पे अगर विचार करोगे, कहानी पे थोड़ा सा विचार करोगे, है ना। ये नहीं कि उल जलूल खाली लव स्टोरी चुम्मा चाटी इसी पर तुम्हारा वो चला जा रहा है, यही इसी को तुम एंटरटेनमेंट समझते हो, तो इस पर अगर ध्यान नहीं दोगे और अच्छे कॉन्टेंट पर ध्यान दोगे तो ज़रूर भोजपुरी का ग्रोथ मतलब हो सकता है। ये हर एक चीज़ बेस्ड है ऑडियंस के प्रेफरेंस पे, ठीक है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।